श्रोता बंधु नमस्कार, मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभिर अध्यक्ष आपण मानंकु स्वागत करुछि एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्यरे रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठारु आरंभ करि जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करि आसुछि। आदि ठारु सेहि परि शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जहार ना चालंतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। एही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुथिबा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर एही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्षरे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। एही ऐतिहासिक कार्यक्रमर समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिछन्ति इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिछन्ति श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार, कोरापुट सरकारी महाविद्यालयर इतिहास विभागीय मुख्य प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दासंकर लेट्स नो हिस्ट्री माध्यमरे छात्र छात्री मानंक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्य खसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन रे मु नीलिमा दास आपण मानंकु स्वागत करुछि। मध्ययुगीय भारत रे अकबरंक परवर्ती पर्याय रे जेउ शासक निजर शासनगत दुर्बलता पई निज साम्राज्ञिक द्वारा परिचालित होई भारत वर्ष पई विपर्ययर पथ उन्मुक्त करिथिले एवं राजा परिवार मध्यरे विश्रुंखला को प्रवेश कराइथिले, सेही विफल मोगल सम्राट जहांगीर के संपर्क रे आजिर प्रश्नोत्तर। प्रश्न एक, मोगल सम्राट जहांगीर एवं मेवाड़ राणा मध्यरे जेउ शांति चुक्ति स्वाक्षर करा जायथिला ताहार आभिमुख्य कौन थिला? उत्तर, मोगल सम्राट जहांगीर एवं मेवाड़ राणा मध्यरे स्वाक्षरित होइथिबा शांति चुक्ति अनुजाई रखा जायथिबा शर्त गुड़िक हैला, मेवाड़ राणा मोगल सम्राटंक वश्यता स्वीकार करिवे, राणा एवं सम्राटंक मध्यरे कौनसी वैवाहिक संपर्क स्थापना करा जीव नाही, राणा निज स्थान रे निज पुत्र को मोगल सेवारे नियोजित हेबा पई प्रेरण करिवे, मोगल सम्राट जहांगीर मेवाड़ प्रत्येक अंचल को एवं चित्तौर दुर्ग को पुनः उद्धार करिवे, किंतु एथिरे शर्त थिला जे चित्तौर दुर्गर मरामती करा जीव नाही। प्रश्न दुई, केउ ख्रीष्टाब्दरे जहांगीर अहमदनगर आक्रमण करिबा पई एक विशाल सैन्य बाहिनी प्रेरण करिथिले? उत्तर, 1610 ख्रीष्टाब्दरे। प्रश्न तीनि, मोगल मानंक द्वारा अहमदनगर आक्रमण समय रे मोगल सेनाध्यक्ष किए थिले? उत्तर, प्रायस परवेज ओ आसफ खान। प्रश्न चारि, केउ वर्ष मुगल एवं अहमदनगर मध्यरे चुक्ति स्वाक्षर करा जायथिला? उत्तर, 1617 ख्रीष्टाब्दरे। प्रश्न पाँच, मुगल एवं अहमदनगर मध्यरे स्वाक्षर करा जायथिबा चुक्तिर फलाफल कौन थिला? उत्तर, एही चुक्ति अनुजाई बालाघाट राज्य एवं अहमदनगर मुगल मानंकु समर्पण करागला, बीजापुरर शासक प्रायस परवेज को मूल्यवान उपहार दिया जायथिला। प्रश्न छ, अहमदनगर रे खुरानंगु केउ उपाधि रे भूषित करा जायथिला एवं एही उपाधि तांकु किए प्रदान करिथिले? उत्तर, जहांगीरंक द्वारा खुरानंगु शाहजान उपाधि रे सम्मानित करागला। प्रश्न सात, केउ वर्ष जहांगीरंक
ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତର 1621 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 8। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର କେତୋଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ଉତ୍ତର 5ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଖୁସରୁ, ପରୱେଜ, ଖୁରାମ, ଜାହାଙ୍ଗୀର ଓ ସାହାରିୟର। ପ୍ରଶ୍ନ 9। ସାଲିମ କାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଅବଦୁର ରହିମ ଖାନି ଖାନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଶ୍ନ 10। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଖୁସରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 11। ମେହର ନିଶା କିଏ? ଉତ୍ତର ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 12। ମେହର ନିଶାଙ୍କୁ ଜାହାଙ୍ଗୀର କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ନୁର୍ମହଲ ଉପାଧିରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 13। ମେହରୁନ୍ ନିଶାଙ୍କୁ କେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାଧି ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ନୁରଜାହାନ। ପ୍ରଶ୍ନ 14। ଖୁରାମ କେବେ କଙ୍ଗ୍ରା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1620 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 15। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର କେଉଁ କଳାରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଚିତ୍ରକଳାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 16। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ କିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବିଶାନ ଦାସ। ପ୍ରଶ୍ନ 17। ଖୁରାମ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅହମ୍ମଦନଗର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1611 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 18। ଜାହାଙ୍ଗୀର କେଉଁ ବିଖ୍ୟାତ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ତୁଜ୍କି ଜାହାଙ୍ଗୀରି। ପ୍ରଶ୍ନ 19। କେଉଁ ବିଖ୍ୟାତ ୟୁରୋପୀୟ ରାଜଦୂତ 1615 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାର ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସାର୍ ଥୋମାସ ରୋ। ପ୍ରଶ୍ନ 20। କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସମୟରେ ଚିତ୍ରକଳା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।